प्रीमियर किए जाते थे, फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस लोगों से जाके खुद से मिला करते थे और लोगों को जिज्ञासा होती थी कि कब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और कब हम लोग इसको देखेंगे और कब हम लोग ये बताएंगे कि ये फिल्म कैसी है, अच्छी है या बुरी है, कैसी अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आज का जमाना तो कुछ और ही हो गया है। कुछ और कैसे हो गया है आपको पता है? कुछ और ऐसे हो गया है कि जैसे ही आजकल फिल्म आती है उससे पहले ही सोशल मीडिया पे ये बेशर्म रंग विवाद पर बोले शाहरुख खान, सोशल मीडिया से बढ़ती है नेगेटिविटी। फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर उठ रहे विवाद पर शाहरुख खान ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया को नेगेटिव जगह बताते हुए इसके दायरे को छोटा बताया है। शाहरुख खान आखिरी बार अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जोरी में नजर आए थे। फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लगभग 4 साल बाद शाहरुख खान फिल्मों में कमबैक कर रहे हैं। इसको शाहरुख खान की फिल्मों में वापसी भी कह सकते हैं और उनकी कमबैक की पहली फिल्म पठान होगी जो कि अगले साल 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। फिल्म लगने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। दीपिका की भगवा बिकनी पर विवाद बढ़ा और अयोध्या के महंत बोले, जिस थिएटर में पठान लगे उसे फूंक दो। अयोध्या के महंत राजू दास जी ने ये कहा। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के तरीके खोजने। आजकल फिल्म देखने वालों की संख्या कम है और पता है फिल्म को बैन और बायकॉट कराने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। अब भाई कैसे हो गई ये सब तो आपको जानना चाहिए ना। अब आप जानते ही नहीं है, चलिए आप नहीं जानते हैं तो हम ही बता देते हैं। आज बैठे बैठे मैं भी सोशल मीडिया पर कुछ सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि आजकल बैन बाबू कौन है और बायकॉट बाबू कौन है। तो भैया बायकॉट बाबू मैं आपको बता देती हूँ कौन है, कौन है, कौन है, आप जानते हो कौन है? जानना चाहिए तो मैं बताती हूँ आपको कौन है। कुछ में पड़ गई भैया, बायकॉट बाबू आज की आने वाली फिल्म है पठान। भैया बायकॉट पठान बन रही है और पठान के पीछे बायकॉट बाबू नाम लग गया है और बैन बाबू भी लग गया है। भैया आजकल लोगों की जनसंख्या किस चीज में बढ़ती जा रही है कि इस फिल्म को कैसे बैन कराएं, कैसे बायकॉट कराएं। तो वही पठान के पीछे पड़ क्यों गए हैं, इसके भी तो कुछ रीजन होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। भाई आपको पता भी होंगे, आप लोग भी तो सोशल मीडिया पे कौन नहीं है, आप भी हैं और मैं भी हैं। तो भैया सोशल मीडिया पे आपको पता ही चल जाएगा आजकल पठान के पीछे वैसे पड़ क्यों रहे हैं, आपको पता है मैं बता देती हूँ। भैया आजकल कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो लोग तो ये कहते हैं जहां पर भी खान आ जाएगा ना हम इस फिल्म को बैन कर देंगे, भैया इसका बायकॉट करा देंगे। तो भैया यहाँ तो खान है ही है, शाहरुख खान है भाई, 4-5 साल से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है, बड़ी मुश्किल से उनकी कोई फिल्म आ रही है, उसके भी पीछे पड़ गए, अब पठान के पीछे पड़ गए। खान तो है ही इसके पीछे, खान तो है ही इसके पीछे, लेकिन उसका तो पूरा नाम ही पठान हो गया है। अब कुछ लोग इसके पीछे पड़ गए, भैया हमारा देश तो हिंदुत्व का देश है तो पठान ही नाम हो गया। चलो एक रीजन तो ये हो गया, ये रीजन है या नहीं है ये आप लोग सोचिए कि सोशल मीडिया पे इसका बायकॉट करना क्यों ये लोग चाह रहे हैं कि भाई पठान नाम रख दिया और इसका बायकॉट कर दो। खैर बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, ये लोगों की सोच है। अब देखिए कितना बायकॉट होता है, कितना बैन होता है, ये तो इन्हीं लोगों को पता होगा और ये सेंसर बोर्ड को पता होगा। एनीवेज आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है भाई, इस फिल्म की हीरोइन कौन है, इस फिल्म की अभिनेत्री कौन है, आपको पता है ना? आपको पता तो है, मुझे तो पता ही है, सभी को पता है कि कौन है अभिनेत्री। भाई कौन है, कौन है, कौन है? अरे भैया अपनी पादुकोण जी हैं इसकी, यानी दीपिका पादुकोण जी हैं। भाई जेएनयू के लोग तो पहले ही स्टूडेंट उनसे नाराज थे और पता है उसकी गाज किस पे गिर गई थी, छपाक पे गिर गई थी। अब ये आ गई है तो फिर पीछे पड़ गए, लग लो दीपिका पादुकोण के पीछे लग लो और इस फिल्म का बायकॉट और बैन करा दो। अब देखते हैं भैया कितनी बायकॉट और बैन होती है, ये तो आपको भी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा और मुझे भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी बॉन्डिंग यहाँ पे अपनी दिखा दी, इतना फिल्मों पर रिसर्च कर लेती हूँ। चलिए इसका अगला एक रीजन और देखते हैं और सुनते हैं, आज जो मैंने भी सुना वो आप भी सुन लीजिए। भाई क्या रीजन हो सकता है तीसरा रीजन? अब भैया इसका पहले तो प्रमोशन पे ही बात हो रही थी कि भाई पठान का प्रमोशन कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो जी गाना रिलीज हो गया इसका, ठीक है ना? कौन सा गाना रिलीज हो गया, आप सभी को पता है कि कौन सा गीत हो गया, कौन सा बेशरम रंग हो गया ना, बेशरम रंग जो है वो रिलीज हो गया। अब भाई ये देखो बेशरम रंग तो है ही है, गाने के बोल तो चलो बेशरम रंग है, वो तो कोई बात नहीं है, चल जाता है, चलो बेशरम रंग है। भैया हमारा देश तो संस्कारों को फॉलो करने वाला देश है। अरे चलो दिव्या, अरे चलो
दीपिका पादुकोण ने छोटे छोटे कपड़े पहने, चलो वो भी चल जाएगा, लेकिन कपड़ों का कलर तो देखो कौन सा कलर है, कौन सा कलर है भाई, गेरुआ कलर है, कितना गलत है जा रहा है, इतने छोटे कपड़े उस पे गेरुआ कलर। अरे भैया भारतीय हैं हम लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, इनको दीपिका पादुकोण को ये कपड़े पहना दिया, उसका कलर गेरुआ रख दिया। चलिए खैर, चलिए इसको बायकॉट कीजिए। खैर जो पे ये जो बात है, यही बायकॉट बाबू और बैन बाबू जो चल रहे हैं, इन्हीं चीजों पे आधारित है। अब देखना ये है कि इस फिल्म को ये कितना बैन करा सकते हैं और कितना बायकॉट करा सकते हैं। शाहरुख खान 4 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं, काफी लंबे समय के बाद वो वापसी कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शाहरुख खान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि फिल्म को देखने कितने लोग जाते हैं और कितना पसंद करते हैं। तो आइए हम भी इसी इंतजार में कि फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, और आपको हमारी ये प्रतिक्रिया कैसी लगी, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को